राजस्थान के कोटा में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की घोषणा के बाद फंसे काशीपुर के दर्जनों छात्र छात्राएं आज पंतनगर से बस के द्वारा काशीपुर सकुशल पहुंच गए। इस दौरान जैसे ही इन बच्चों को लेकर बस कोतवाली गेट पर पहुंची तो पहले से मौजूद उनके परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। सभी पहुंचे छात्र छात्राओं को 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल राज्य आपदा प्रतिवादन बल उत्तराखंड के बचाव दल ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे सैकड़ों छात्रों को सुरक्षित उत्तराखंड पहुंचाया था, जिसके बाद बीती 25 अप्रैल को पंतनगर के छात्रावास में छात्रों की सैंपलिंग की गई, जिसके बाद इन सबकी कोविड टेस्ट में निगेटिव पाए जाने के बाद 28 छात्र और 11 छात्राओं को सकुशल घर वापस लाया गया। कोतवाल चंद्रमोहन सिंह नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह डॉक्टर शांतनु ने पहुंचे सभी छात्र छात्राओं को उनके परिजनों को सौंपते हुए आगामी 21 दिन तक होम क्वारंटाइन कर दिया है। साथ ही डॉक्टरों ने सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने को भी कहा है। और पंतनगर यूनिवर्सिटी में इनको रोका गया था, सिल्वर जुबली यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे इनके कोविड टेस्ट हुए हैं, सभी निगेटिव पाए गए हैं। 28 लड़के और 11 लड़कियाँ काशीपुर पहुँच गई हैं और इनको अब हम लोग होम क्वारंटाइन के लिए लेके जा रहे हैं। सर, ये लोग पंतनगर किस डेट में आए थे? पंतनगर ये लोग 25 तारीख को पहुँचे, 25 तारीख 24 और 25 में पहुँचे। आज इनकी रिपोर्ट आई है और इनको काशीपुर भेजा गया।